बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। भाजपा नेता मोहित यादव बहरोड विधानसभा क्षेत्र के पुल के नीचे नए बस स्टैंड पर पोस्ट बड़ा कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमा की पूजा अर्चना की, सभी के कुशल क्षेम और क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। वहीं फूलमाला साफा और नारेबाजी के साथ आयोजकों ने मोहित यादव का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मोहित यादव ने सबके साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। राह से गुजरने वाले हर व्यक्ति को भंडारे का प्रसाद खिलाने को पुण्य कार्य कहकर उन्होंने रेहड़ी वालों की प्रशंसा की। मोहित यादव ने कहा कि हमारे रेहड़ी वालों का दिल बड़ा है और उन्हें खुश करने का हुनर है, यही वजह है कि इन्हीं दुकानों पर हर वर्ग, समाज, लिंग और समुदाय के लोग पहुंचते हैं। साथ ही मोहित यादव ने बताया कि विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के साथ मिलकर रेहड़ी वालों के हित में बहुत कुछ करना चाहता हूं। वहीं मोहित यादव के पहुंचने पर रेहड़ी वालों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। इस मौके पर वेद सरपंच अधिवक्ता प्रशांत यादव, राजेश फौजी, अनिल बोहरा, अविनाश मित्तल, मोहित यादव सहित अन्य युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, एससी एसटी एनटीएससी एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में आरआईएमसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। जीपीएस स्कूल में प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। क्षेत्र के नारनौल रोड भगवाड़ी खुर्द में स्थित जीपीएस स्कूल द्वारा कक्षा 2 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 का आयोजन 4 फरवरी रविवार को आयोजित किया जाएगा। स्कूल चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव ने बताया कि जीटीएससी 2024 के माध्यम से क्षेत्र के बच्चों को अपनी प्रतिभा तराशने का उचित अवसर मिलेगा। विजेता बच्चों को लाखों रुपए के पुरस्कार एवं स्कॉलरशिप पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क है। स्कूल प्राचार्य योगेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए QR कोड लिंक से या स्कूल द्वारा किए गए मोबाइल नंबर 7015628383 नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। परीक्षा ऑनलाइन स्कूल कैंपस में होगी। परीक्षा के दिन स्कूल के सभी रूट पर वाहन सुविधा निःशुल्क रहेगी, जिसका परिणाम 10 फरवरी को आएगा। उसके अगले दिन 11 फरवरी को विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जीटीएससी 2024 परीक्षा कोऑर्डिनेटर आशीष यादव ने बताया कि परीक्षा को लेकर क्षेत्र के विद्यार्थियों में काफी उत्साह है। रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 2 फरवरी की है। आर यू अ स्टूडेंट स्टडिंग बिटवीन क्लासेस 1st to 10th? आर यू अ स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड बट इज नॉट एबल टू गेट एडमिशंस इनटू प्रेस्टिजियस स्कूल्स जस्ट ड्यू टू सम फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस? आर यू अ स्टूडेंट who wants to pursue quality education and ensure his better tomorrow? If you are, then I am Deepak from GPS School, and I bring you a golden opportunity to showcase your academic skills, that is the GPS Talent Search Examination, GTSE 2024, in which you can avail scholarships up to 100% of the tuition fee. Apart from this, you can also win very exciting prizes like bicycles, electronic tablets, digital watches, smart watches, electronic writing pads, and many more. Our school provides you the top-notch faculties, brilliant environment, advanced labs, as well as good co-curricular activities. Apart from these things, we also provide you top-notch coaching of Sainik School, Military School, Scout School, Navodaya School, RIMC examinations, and RISE sports. In the foundation section, we provide you pre-foundation courses like State Talent Search Examination, that is STSE, National Talent Search Examination, that is NTSE, and various Olympiads which are organized by national and international agencies. In the foundation section, mainly in class 11th and 12th, we provide you specific coaching for NEET, IIT JEE, and the Common University Entrance Test, CUET. We have the only shooting range in that area
and we provide free registrations for those students who perform well in the GTSE 2024. So if you want to register yourself, you want to be a part of this prestigious institution, if you want to ensure your better tomorrow, then register yourself for the GTSE 2024 through this QR code and by contacting on these numbers. The exam will be organized on 4th of February 2024 at the GPS campus, Bhagwadi Khurd, Behror. अब आपके शहर बैरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बैरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एम हेल्थ पॉलिसी LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। बैरोड कस्बे में स्थित श्रीमती नारायण देवी महिला महाविद्यालय में ग्लोबल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 14वें मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक व प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलवाई गई। शपथ के उपरांत प्राचार्य डॉक्टर संजय यादव ने कहा कि मताधिकार लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, सभी का मत बराबर है। मताधिकार हमारे लोकतंत्र के साथ साथ हमारे देश और स्वयं हमारा और हमारी आगामी पीढ़ियों के भविष्य को निर्धारित करता है। हम किसी लोभ या जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय अथवा किसी अन्य वस्तुओं से ग्रसित होकर मतदान करते हैं तो निश्चित ही गलत व्यक्ति के निर्वाचित होने का डर होता है। इसलिए हम अपने मत का प्रयोग समझदारी से करें एवं सही व्यक्ति का चुनाव करें। इस मौके पर महाविद्यालय व्यवस्थापक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, सुनील यादव, निशा यादव, देवेंद्र यादव, प्रताप सिंह, धर्मेंद्र यादव, अनिल प्रजापति, सुबे सिंह सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। तक्षला पब्लिक स्कूल हमजापुर में 2 छात्रों ने लेवल 2 ओलंपियाड परीक्षा के लिए सफलता प्राप्त की है। प्राचार्य SN मिश्रा ने बताया कि 9वीं कक्षा की छात्रा अपूर्वा राव पुत्री अखिलेश यादव और वैष्णव पुत्री करमवीर यादव SOP अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में सफलता प्राप्त की है। अब वे लेवल 2 परीक्षा में शामिल होंगी। मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में स्कूल में विशेष समारोह हुआ। वहीं निदेशक डॉक्टर संजय यादव ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और बताया कि तक्षला ग्रुप छात्रों में छिपी प्रतिभा को उजागर करने के लिए सदैव तत्पर है। शिक्षा के अलावा खेलकूद के साथ साथ पाठ्यचर्या और सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों पर भी महत्व दे रहे हैं। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था, यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्ज्वल भविष्य में सहयोगी बने। मुंबई में आयोजित पाल नौकायन की 12 से 20 जनवरी 2024 तक चली फेस्टिवल ऑफ सेल्स प्रतियोगिता में भारतीय नौसेना में कार्यरत अविनाश यादव ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अविनाश यादव भारतीय नौसेना में मुंबई में कार्यरत हैं। अविनाश के कोच शेखर यादव ही हैं। शेखर मूलतः पीपली मुंडावर गांव के निवासी है। शेखर को हाल ही में जयपुर में मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित भी किया है। यह सम्मान उन्हें बीजिंग एशियन गेम की रोइंग प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करने पर दिया गया। प्रतियोगिता में देश के जाने माने पदकधारी अर्जुन अवार्डी तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रवक्ता पृथ्वीराज यादव, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर संजय यादव, डॉक्टर बाबूलाल यादव, अमरचंद शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में स्थित धर्मचंद गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय बहरोड में नमो मतदाता सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव उद्बोधन कार्यक्रम में शामिल रहे नमो मतदाता अभियान विधानसभा संयोजक जिला मंत्री दीपक लखेरा एवं सह संयोजक हेमंत यादव, मंडल अध्यक्ष संजय मीर, जिला उपाध्यक्ष कपिल खंडेलवाल, ओम यादव, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम बोहरा, नरेंद्र नैनावत, नवीन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।